नमस्कार, इंदु आइडियल ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए एक हेयर कट का वीडियो लेकर के आई हूँ, सिंपल हेयर कट। और ये देखिए, मैं अपनी बिटिया रानी का हेयर कट करूँगी। मैं अपने बच्चों का खुद ही करती हूँ, अपना भी खुद ही काटती हूँ, बहुत कम ही मतलब पार्लर वगैरह, मैं अपना सब काम खुद ही करती हूँ। और ये मैं आज एक आपके साथ शेयर कर रही हूँ हेयर कट का। अपना हेयर कट तो मैं पहले आपको शेयर की हूँ एक दो, और अभी ये मैं इसका बच्चे का बिटिया का काटूंगी और दिखाऊंगी। और ये देखिए, इतना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं होने देती है क्योंकि चोटी बनाना पड़ता है स्कूल जाने के लिए भी, और ऐसे भी खुला बाल इतना ज़्यादा मुश्किल होता है। और ये देखिए, इस तरीके से मैं इतना इतना कट करूंगी ताकि वो गला तक आ जाए, गला नहीं ढके, बस कान से थोड़ा सा नीचे ऐसे मैं काटूंगी। और इसको कैसे काटूंगी, ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका से काटूंगी। और इस तरीके से आप थोड़ा बाल आगे से पहले ले लीजिए कि कितना तक काटना है, और इतना देख लिए हैं कान से थोड़ा नीचे तक, मैं यहाँ सेप ले लूँ, देख ली हूँ। और इसको काटेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा जो है ना, कंघी पहले अच्छे से सुलझा के करना है। आप गीला भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा बस कंघी को पानी में डिप करके उसे कंघी कर देती हूँ, हल्का सा बाल आपस में चिपक जाता है, फैलता नहीं है और बहुत बढ़िया कट जाता है। तो उधर जाके मैं उसको बाल को मतलब कंघी को गीला कर ली, आपको वो नहीं दिखा होगा, साइड में था रखा हुआ। और ये देखिए, इस तरीके से जितना हाथ में आ जाए एक बार में, उतना बाल को इस तरीके से पकड़ लेंगे और बस ऐसे। आप सब भी काटते होंगे, मैं किस तरीके से काटती हूँ अपने बच्चों का बाल वो दिखा रही हूँ। और इस तरह से टाइट करके बाल को पकड़ना है, और कैंची को भी अंदर की तरफ थोड़ा सा फोल्ड करके रखेंगे, मतलब कर्व करके रखेंगे। इससे क्या होता है ना, बाल जो है उल्टा नहीं घूमता है, अंदर की तरफ कर्व रहता है, बहुत अच्छा कट के तैयार होगा। आप देखिएगा, यहाँ पर मैं एक एक करके अभी काटते जाऊँगी। वो हो गया मेरा, जो मैं पहले सबसे पहले जो काट दिया यहाँ पे, ये इसको गाइडलाइन बोल सकते हैं आप, बस उसी शेप में मतलब उसी साइज में मैं यहाँ पर कट करते चली जाऊँगी। वहाँ से थोड़ा बाल उधर का पकड़ लूँगी और उससे शेप मिलाते हुए बस, ताकि एक बराबर कटते जाए, तो बस एक बराबर ही मुझे लेना है पूरा चारों तरफ से घुमा करके। और यहाँ देखते जाइएगा आप कि कैसे मैं काटते जाऊँगी। और ये देखिए, बहुत ही आसान है, और कैंची को जल्दीबाजी में नहीं करना है, धीरे धीरे कट करना है, आराम से उसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए देख सकते हैं। और ये देखिए, देखिए बने रहिएगा लास्ट तक, देखिएगा कितना अच्छा से कट करके तैयार होगा। और यहाँ पर मैं चुन्नी इसको डाल दी हूँ, इसी पर जो है ना, ये बाल चिपकता नहीं है इसमें, ये फिसलने वाला है, इस पर बाल जो है जल्दी चिपकेगा ना, ये आराम से कर जाएगा इस तरह से, देखिए है ना। और यहाँ देख सकते हैं आप, इतना इतना बस 3 इंच तक, करीब 2 से 3 इंच तक मैं यहाँ पे कट कर दी हूँ। लंबे बाल को थोड़ा सा संभालना तो मुश्किल ही होता है, बच्चों के लिए भी आजकल तो वैसे ही जो है लॉकडाउन चल रहा है, तो पार्लर वगैरह में तो बहुत मुश्किल होता है। घर में आप खुद काट सकते हैं, बच्चों का बिल्कुल भी डरना नहीं है और आराम से हो जाता है, यदि आप लोग नहीं काटते होंगे और बाल काटना चाहते हैं और अभी परेशान हो रहे होंगे लॉकडाउन में, तो आप ऐसे करके यहाँ पे काट सकते हैं बच्चों का बाल। ये देखिए ऐसे करके, और लंबे बाल को भी छोटा करना इसी तरह से आप कर सकते हैं, छोटा करना है, थोड़ा 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 काटना है। वैसे बालों को क्या है ना, कितना भी लंबा आपको रखना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है ना नीचे से काटते रहना चाहिए, इससे है ना बाल हेल्दी रहते हैं। उसका जो है ना पूंछ टाइप जो निकलता है, दो मुँह है बाल और ये सब निकलते हैं ना, वो नहीं निकलता है, बाल अच्छा बना हुआ रहेगा। यहाँ देखिए, इस तरीके से जो है मिलाते हुए पहले एक बार ऐसे कट कर लूँगी, उसके बाद जो भी छोटा बड़ा दिखेगा वो भी मैं सेट करूँगी, आप देखिएगा। तो बच्चे फेस नहीं दिखाना चाहते हैं, मैं भी नहीं जिद करती हूँ। देखिए इधर से घूम के आ गई मैं, इस साइड से थोड़ा सा वो बचा है उसको भी मिला देती हूँ, और बहुत ही बढ़िया कट गया था, बच्चे खुश हो जाते हैं घर में। बस थोड़ी देर में ही अपना हाथ का रहता है ना ये सब काम, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जब मर्जी है तब आप अपने से खुद से कर सकते हैं। मैं अपना ज़्यादातर काम खुद ही करती हूँ, कुछ सिलाई वगैरह का भी मैं वीडियो लाऊंगी आपके लिए, क्योंकि मैं अपना सिलाई वगैरह भी सब खुद ही करती हूँ, कुछ भी जो कपड़ा मैं खुद पहनने वाला, बच्चों का तो नहीं, बच्चे तो आजकल अब कहाँ पहनते हैं सिल करके, बहुत कम, थोड़ा बहुत पटियाला वगैरह सिल उल करके पहनते हैं, तो वो सब मैं सिली थी, लेकिन अभी तो इतना नहीं, अभी तो बच्चे तो बस वही सब टॉप वगैरह ही पहनते हैं और टी शर्ट वगैरह यही सब पहनते हैं बच्चे। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको मिला दे रही हूँ, जो भी मैं कट की हूँ ना वो मिला रही हूँ, वो थोड़ा साइड हो गया है अभी,
दिखाऊंगी आपको कैसे मिलाना है। बस नीचे से ऊपर वाला को पकड़ के रखना है बाल को, और नीचे से आप कैंची अपने आप कीजिएगा, कंघी से पहले अच्छा सुलझाइएगा, उसके बाद जो भी दिखेगा आपको नीचे अपने आप ही वो मिल जाता है। बहुत मुश्किल नहीं होता है, बहुत ही आसान होता है कटिंग करना। आप कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट लगता है, 20 मिनट, और ये सब जो है ना कट करके तैयार हो जाता है। तो यहाँ मैं लगा दी थी कैमरा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। शायद इसी को ही बॉब कट भी बोलते हैं, क्योंकि तो छोटा हो गया। तो ये देख सकते हैं ये आप, मैं आज एक वीडियो आपके लिए ये ले आई, और यहाँ देखिए जो है ना आपको दिख रहा होगा ये कैसे गला तक आ गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। ऐसे मिला देना है, जो भी नीचे एक्स्ट्रा दिख रहा होगा ना बस उसको मिला देना है थोड़ा सा। ऐसे ऐसे मैं मिला रही हूँ, ये देखिए। तो आशा है आपको पसंद आया होगा ये वीडियो, या हेयर कट का जो वीडियो बोल सकते हैं या ब्लॉग बोल सकते हैं, आप जो भी बोल लीजिए। तो पसंद आया है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग भी मैं लाने वाली हूँ, थोड़ा सा अभी बिजी चल रहा है, तो मैं जैसे ही ब्लॉग तैयार करूँगी तो ब्लॉग भी लाऊँगी, और रेसिपी भी कई सारी मैं तैयार रखी हूँ, तो रेसिपी भी आपके लिए आएगी बहुत जल्दी से। तो आप सब अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वैसे आप सबका बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यार और सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत जल्दी आपके लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग और वीडियो भी लाऊंगी, और ये देखिए कि कैसे कट के तैयार हो रहा है। तो अभी नीचे से थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा, उस सबको मैं अभी इसी तरह से पहले कंघी कर करके और पूरा अच्छा मिला दूँगी। बस वही मिलाना ही है मेन, वही मिलाने का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मिलाने में समय लगता है बस, नहीं तो गोल घुमा के कटिंग में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है और कट जाता है आराम से, देख सकते हैं। हो गया ना सब कंप्लीट। तो ऐसे कर देने से क्या होता है ना, कहीं भी बाल फंसा हुआ है तो वो आप ऐसे बढ़ा करके देख सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब नहा के मतलब बाल को अच्छे से गीला करके नहाने के बाद ना अच्छा इसका जो है ना सूखने के बाद बहुत ही बढ़िया लुक आ गया था बाल का। तो आप देखिएगा, चाहिए तो काट सकते हैं आराम से। मैं आज आपके साथ ये एक शेयर कर दी, देख लीजिए है ना, हो गया ना अच्छे से बिल्कुल ही शेप में, अंदर की तरफ गोल होते हुए ये कट गया है। अभी बिल्कुल भी आपको नहीं लग रहा होगा कि अच्छा नहीं कटा, और इतना बाल ये आया है ना। तो बहुत ही आसान है, मुश्किल काम नहीं है, आप कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं और नए नए ब्लॉग और रेसिपी के साथ, तब तक आप सब लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलते हैं।